Good afternoon, everyone. This is Dr. Bhupesh from Dr. BKM Institute. Again, this is a very simple letter, but this letter I always use as letter to know about the visit letter, because visit letter pattern otherwise is very easy. So, but whenever I do this letter, these are one of the simplest letters which can help us to learn grammar and everything about OET, and that too without giving any pain. So pain means you will not have to put too many efforts. It's going to be a little easier. And you would be able to learn it. So basically, first of all, whenever we start our writing, hum writing ko hamesha last se shuru karte hain ki hum letter kiske liye likh rahe hain. To aaj ka jo letter hai, hum refer to the gynecology registrar at the Mater Hospital, South Brisbane. To hum gynecology registrar ko likh rahe hain. So obviously, ye baat badi simple hogi ki hume ye jo letter likhna hai, ye gynecology ward se related likhna hai. To jo bhi gynae se related cheez hogi, wo hume likhna hai. और ये मैंने आपको हमेशा बताया जो लास्ट की विजिट होती है, तो इस लेटर में जो लास्ट की विजिट है, टुडेज डेट इज 16th, देन यू हैव गॉट 15th यानी यस्टरडे, एंड देन अगेन 16th यानी टुडेज डेट. तो बेसिकली देर आर ओनली टू डेट्स, यहाँ पे सिर्फ दो ही दिन है, एक आज का और एक कल का. तो आज वाला दिन जो होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट डे होता है, और अगर आपको खाली अकेला ये भी समझ आता है, इवन दिस अगर इतना सा भी समझ आता है, तो आप इसके बेस पे भी लिख सकते हो फर्स्ट पैराग्राफ. तो ये विजिट लेटर का बेस्ट पैटर्न है, सबसे आसान पैटर्न है. फर्स्ट पैराग्राफ में जो भी प्रॉब्लम है आज की वो लिखनी है. दिस लेटर इज बीइंग रिटन, इसका मतलब होता है ये लेटर हमारे द्वारा लिखा जा रहा है. इज बीइंग रिटन पैसिव वॉइस, आईएनजी का मतलब रहा है. इज बीइंग रिटन बी प्लस थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस, बी प्लस थर्ड फॉर्म जब भी होता है ये पैसिव वॉइस होता है. सो दिस लेटर इज बीइंग रिटन रिगार्डिंग मिसेज, जो भी नाम है पेशेंट का, आई थिंक इट्स जोन्स, मिसेज जोन्स, हु जो यहाँ पे दिया हैज बीन, अगेन बस हैज बीन लगाना है. दिस इज पैसिव वॉइस. जब भी टुडे का पैसिव वॉइस बनेगा, प्रेजेंट का, परफेक्ट का, यानी उसको आज हमारे द्वारा सस्पेक्ट किया गया है, तो वही बी प्लस थर्ड फॉर्म मैंने आपको बताया पैसिव वॉइस होती है, पर यहाँ पे रहा नहीं है, यहाँ पे किया गया है, प्रेजेंट परफेक्ट है. तो ये लेटर लिखा जा रहा है मेरे द्वारा पैसिव वॉइस बी प्लस थर्ड फॉर्म, अगेन पैसिव वॉइस बी प्लस थर्ड फॉर्म, बस यहाँ पे रहा है. सो दिस लेटर इज बीइंग रिटन रिगार्डिंग मिसेज जॉन हु हैज बीन सस्पेक्टेड विद एक्टोपिक प्रेगनेंसी. अगर आपने लिखना है तो ये लिख सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ करंट साइंस एंड सिम्टम्स, करंट साइंस एंड सिम्टम्स. आप अगर थोड़ा सा अलग लिखना चाहते हो तो ये भी लिख सकते थे, क्योंकि उसका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है, तो आप ऐसा भी लिख सकते थे एज हर प्रेगनेंसी टेस्ट इज पॉजिटिव. तो आप थोड़ा बेटर करना चाहते हो कुछ मिक्स करके, तो आप कर सकते हो. सो दिस लेटर इज बीइंग रिटन हु हैज बीन सस्पेक्टेड दैट टॉपिक प्रेगनेंसी एज हर प्रेगनेंसी टेस्ट इज पॉजिटिव, सो शी इज बीइंग रेफर्ड. अब ये भी दोबारा वही रहा है, तो उसको रेफर किया जा रहा है. सो शी इज बीइंग रेफर्ड अंडर योर एक्सपर्टीज, किस लिए किया जा रहा है, फॉर अर्जेंट असेसमेंट एंड डेफिनेटिव डायग्नोसिस. बस ऐसे सिंपल लिखना है. जब भी सस्पेक्टेड है तो ऑब्वियसली डेफिनेटिव डायग्नोसिस तो करना ही है. सो दैट इज व्हाई दिस पेशेंट इज बीइंग रेफर्ड टू यू फॉर अर्जेंट असेसमेंट एंड डेफिनेटिव डायग्नोसिस. सो दैट इज हाउ सिंपल यू कैन मेक दिस लेटर. If you try to simplify, first paragraph should be that simple. नहीं तो लिख सकते has been suspected with. तो इसमें अगर आप tenses का use देखोगे तो is being written, is being referred. तो यहाँ पे तो दोनों में रहा है, तो सिर्फ ये वाला है suspected, who has been suspected. तो first visit में ये तीन tense use होंगे, दो tense continuous और has been suspected. Has been suspected यानी कि present perfect का passive voice, तीनों passive voices हैं. अगर ये देखें एज हर प्रेगनेंसी टेस्ट इज पॉजिटिव, ये तो सिंपल सेंटेंस है, इसमें कोई टेंस ही नहीं है, उसका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है. सो दैट इज हाउ यू राइट द फर्स्ट पैराग्राफ. जब आपका फर्स्ट पैराग्राफ पेपर में पूरा हो जाएगा तो जो टुडे के सिम्टम्स होते हैं उनको पढ़ना जरूर चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि आज वाले सिम्टम्स और साइन क्या है. तो 16th के जो सिम्टम्स हैं हम देखते हैं आज के सब्जेक्टिव, यहाँ पे सब्जेक्टिव लिखा है, तो यानी अगले पेज से सिम्टम शुरू हो रहे हैं. तो पेन वर्स हो गया है ओवरनाइट. अगर मैं आपको इसकी इंग्लिश बनाना सिखाऊं, यानी फर्स्ट पैराग्राफ हम बना चुके हैं तो लास्ट पैराग्राफ भी मैं आपको पहले ही बना के दिखा देता हूं. मैं हमेशा कहता हूं लास्ट पैराग्राफ पहले तैयार होना चाहिए. सो टुडे द पेन, अब देखो सिर्फ प्रेजेंट में लिखना है, बस प्रेजेंट परफेक्ट.
प्रेजेंट परफेक्ट का एक ही रूल है, हैज प्लस थर्ड फॉर्म जो नॉर्मल होता है, और दूसरा मैंने आपको बता दिया पैसिव वॉइस में जब हमारे द्वारा काम होगा हैज बीन सस्पेक्टेड, तो मैं बोल के दिखा रहा हूँ टुडे द पेन हैज वर्सन्ड, अपने आप हो गया है तो हैज प्लस थर्ड फॉर्म, बाकी सब सेम। एंड इट इज नाउ सिवियर कॉन्स्टेंट पेन, तो बेसिकली पेन हैज वर्सन्ड ओवर नाउ एंड इट इज नाउ सिवियर एंड कॉन्स्टेंट, ऐसे भी लिख सकते हो, इट इज नाउ सिवियर एंड कॉन्स्टेंट। अगर थोड़ा और अच्छा करना चाहते हो, इट इज नाउ सिवियर एंड कॉन्स्टेंट इन नेचर, तो देखो कितना अच्छा लाइन बन गया, सिंपल। सम स्लाइट वेजाइनल ब्लीडिंग ओवरनाइट ऑल्सो, ऑल्सो शी हैड वेजाइनल ब्लीडिंग, सिंपल। अगर ओवरनाइट लिखना है तो ये भी लिख सकते। देन शी फेल्ट फेंटेड व्हाइल वेटिंग इन द रिसेप्शन, ये लाइन सबसे मुश्किल है, इसको रहने दो। एंड सिंपल लाइन नहीं यूज करनी है आपको, बेस्ट ओईटी की पार्ट ये, कुछ भी मुश्किल नहीं लिखना। एंड शी हैज लेफ्ट शोल्डर पेन एज वेल, ठीक है, कितने आराम से। ऑब्जेक्टिव का मतलब साइंस, यानी कि ऑन एग्जामिनेशन। अगर आप इसे बेटर करना चाहते हो, क्योंकि ये वर्ड रिपीट होगा विजिट लेटर में, तो प्लीज ध्यान से ऑन बीइंग एग्जामिन्ड, उसको एग्जामिन, ऑन बीइंग एग्जामिन्ड, प्लीज इसे अच्छे समझना, इसको अच्छा करने के लिए सिर्फ, नहीं तो आप ऑन एग्जामिनेशन भी लिख सकते हो। वेरी टेंडर इन द राइट इलेक फोसा, तो आपको जब भी सब्जेक्ट नहीं मिले, अब यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, तो आपको सब्जेक्ट को लाने के लिए लिखना पड़ेगा देयर इज, जब सब्जेक्ट नहीं होता वहां पे देयर इज या इट इज का यूज करके देखा करो, एक फिट हो जाएगा। वेरी जैसे वर्ड नहीं लिखते, देयर इज टेंडर, अब ये क्या, ये अच्छी लाइन नहीं है, सो देयर इज टेंडरनेस, अब अच्छा लगेगा। इन राइट इलेक फोसा विद गार्डिंग एंड सॉरी टेंडरनेस in the right iliac fossa या फिर ऐसे लिख सकते हैं very tender in the right iliac fossa with regarding, so there is tenderness in the right iliac fossa। अगर ये वाली लाइन नहीं लिखी जाए guarding and rebound tenderness, अगर आपको ये तंग करता है तो उसको आप छोड़ सकते हो, नहीं तो आप ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पे इसको चेंज करना पड़ेगा, there is guarding and rebound tenderness in the right iliac fossa, तो उसकी क्वालिटी को हमने आगे लिख दिया कि ऐसी है, there is guarding and rebound tenderness in the right iliac fossa। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, almost normal है। फिर simple next, on vaginal examination again you have to pick only easy data, अगर आपको pass होना है तो कुछ भी मुश्किल नहीं उठाना, यहाँ पे सिर्फ she लगाना है, बाकी सब same। She has cervical excitation, अब फिर वही वर्ड आ गया markedly tender, अब आपको ये फिर तंग करेगा, ये देखिए अब आ गया markedly tender, अब आपको ये फिर तंग करेगा, तो आपको तंग नहीं होना, cervical excitation, and इसको हमेशा convert करो tenderness में, markedly word को ठीक करो and mark tenderness, she has cervical excitation and mark tenderness, जल्दी में ये गलती हो जाती है। फर्दर इसके अलावा, मतलब ये तो था ही, ये सब प्रॉब्लम्स तो थी, फर्दर हर प्रेगनेंसी टेस्ट इज ऑल्सो पॉजिटिव, अब इस लाइन से सारी बात बन जाती है, पॉजिटिव है विच मेक्स हर, अगर आप अच्छा लिखना चाहते हो, विच मेक्स हर अ सस्पेक्टेड केस ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, आपको पूरा लिखना है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, छोटा नहीं लिखना, मैं अपने कन्वीनियंस के लिखता हूँ, हेंस Your expertise is highly required. अगर आपके ये दो पैराग्राफ बन गए तो आप वैसे ही पास हो जाओगे, फर्स्ट पैराग्राफ पहले ही रेडी था, फोर्थ पैराग्राफ रेडी हो गया। और प्लीज एक बात हमेशा याद रखना, एक्टोपिक प्रेगनेंसी यहाँ पे भी आया, एक्टोपिक प्रेगनेंसी लास्ट में भी आएगा, दो बार रिपीट होगा ये वर्ड, जो आज का डायग्नोसिस होगा वो दो बार रिपीट होगा।
इसमें कोई डाउट नहीं। आई होप सबको समझ आया हो। देखिए कितना आसान है, अभी तक हमें बात करते हुए कुछ 16 मिनट्स हुए हैं, और सोचिए आपने इतना अच्छा लेटर लिख दिया है 16 मिनट्स में कि आपके पास होने के पूरे चांसेस बन चुके हैं। तो इतना आसान है अगर आप विजिट लेटर को सही से लिखो तो, सिर्फ लास्ट का डाटा बढ़ के टुडे का विजिट बन के, अब उससे पहले लेटर जितना मर्जी बढ़ा जाए, कभी कभी लेटर इतना छोटा नहीं होगा कि जैसे ये तो सिर्फ दो विजिट्स हैं, कई बार 10 विजिट होंगी। बस आपने ये दो पैराग्राफ बना लिए तो समझो आपका पेपर निकल गया। 10 विजिट्स को आप इकट्ठा भी कर सकते हो, अगर 2-3 विजिट में डिवाइड करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, इंपॉर्टेंट डाटा के ऊपर डिपेंड करता है। अब चलते हैं सोशल हिस्ट्री पे, फर्स्ट पेज पे। 25 ईयर ओल्ड सिंगल वुमेन, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिंगल वुमेन है, चलो फिर भी लिख देते हैं। मिस कैथी, सॉरी कैथी तो लिखना ही नहीं, सेकंड नेम लिखना है, मिस जोन्स इज 25 ईयर्स, वो भी एज भी ऊपर आ चुकी होगी तो एज भी रिगार्डिंग में आ गया होगा, तो रहने दो, इज सिंगल वुमेन। ऑक्यूपेशन, फैमिली हिस्ट्री ऑफ डीविन ऑन प्रोजेस्टेरोन पिल फॉर कॉन्ट्रासेप्शन, प्रेजेंट विद दिस कंप्लेंट्स ऑफ एब्डोमिनल पेन, अनश्योर ऑफ द लास्ट मेंशन, न्यू पार्टनर फॉर पास्ट 2 मंथ, इज अ सिंगल वुमेन। इसको आपको मिक्स, ये जब आप पूरा लेटर पढ़ लोगे तो आपको ये लिखना है, बट अब प्लीज टेंस को समझना, हैज बीन हैविंग न्यू पार्टनर फॉर 2 मंथ्स, वैसे सिंगल है बट पार्टनर, अब आपने सारा इकट्ठा कर लिया। इसके बाद ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, पीओपी पे है फॉर कॉन्ट्रासेप्शन, ऑल्सो शी इज ऑन पीओपी फॉर कॉन्ट्रासेप्शन, आपकी ये लाइन भी अब जाके रेलिवेंट हुई है, नहीं तो ऊपर नीचे करने का फायदा नहीं है। मतलब जब आप डाटा को ऊपर नीचे कर रहे हो, आप इसीलिए कर रहे हो कि सिंगल वुमेन है, कनेक्टर लगा रहे हो, बट की जगह आप बेटर कनेक्टर लगा सकते हो, हाउएवर सब कुछ आराम से कर सकते हो, शी लगा दोगे और अच्छा हो जाएगा, हाउएवर शी हैज बीन हैविंग न्यू पार्टनर फॉर 2 मंथ्स। अगर लास्ट वर्ड लगाओगे तो सिंस लगाओगे, अगर यहाँ पे लास्ट लगाओगे तो यहाँ पे सिंस लास्ट 2 मंथ्स आ जाएगा, अगर लास्ट नहीं लगाते तो फॉर 2 मंथ्स, सिंपल सा फंडा है। ऑल्सो शी इज ऑन पीओपी फॉर कॉन्ट्रासेप्शन। इसके अलावा देखते हैं कोई इंपॉर्टेंट डाटा है हमारे पास, एट 7 PM आफ्टर वर्क कंप्लेंट हो, तो बेसिकली यस्टरडे, अगर आपको ये यहाँ पे अलग करना है तो कर दो, नहीं तो यस्टरडे। और इसके अलावा क्या है, ओके हाँ, फर्दर या अलोंग विद दिस She has been, ये she has been having. जब भी आपको since और for का use करना है तो please हमेशा time के साथ करो। तो she is on POP, जब भी since और for का use करना has been ing का use करो, मतलब पूरा present perfect continuous बनाओ, has had मत लगाओ, आप अपने comfortable zone में रहो। And she has been having. आप has had भी लगा सकते हो, पर best यही है। और इसको yesterday में मत लिखो, क्योंकि फिर yesterday में आपको ये सारा past करना पड़ेगा। So also she is on POP लिख सकते हो, again ये अपनी मर्जी है, मतलब मुझे ये easy लग रहा है। Also क्योंकि मुझे पता है इस data को मैं उठा सकता हूँ और आराम से medical history में डाल सकता हूँ। तो and also she is on POP for contraception and has been having irregular bleeding since starting POP, ठीक है, तो ये उसकी प्रॉब्लम चल रही है। सो दैट इज हाउ यू राइट। अब आपके ऑलमोस्ट 3 पैराग्राफ तैयार हो चुके। ऑलमोस्ट आपके 3 पैराग्राफ्स तैयार हो चुके, सो आगे चलते हैं और आपको मैं दिखाता हूँ तीनों पैराग्राफ लग कैसे रहे हैं। और हमेशा लास्ट में स्टोरी को एक बार दोबारा बनाएंगे भी। तो अभी तक आपके 3 पैराग्राफ्स ये तैयार हुए, बिल्कुल सिंपल। दिस लेटर इज बीइंग रिटन हू हैज बीन सस्पेक्टेड विद एक्टोपिक प्रेगनेंसी, सो शी इज बीइंग रेफर्ड अंडर योर एक्सपर्टीज, एक्स को मिस किया है तो इसको डाल देते हैं। मिस जोन्स इज अ सिंगल वुमन, हाउएवर शी हैज बीन हैविंग न्यू पार्टनर फॉर 2 मंथ्स,
Also, she is on POP for contraception and has been having irregular bleeding since starting POP. तो ये लाइन चल रही है. आप ऐसे भी कह सकते, बस बिल्कुल सिंपल है, अब इसको और कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं है. पहली लाइन कॉम्प्लेक्स है. तो बस अब आप यहाँ पे यस्टरडे की विजिट में देखते हैं. अब यस्टरडे में देखते हैं हमें क्या क्या लिखना है. चलिए स्टार्टर को हटा देते हैं, यस्टरडे देखते हैं. तो यस्टरडे, अब यस्टरडे की विजिट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती क्योंकि ये कल की बात है. हमने पेशेंट को आज हमें पता लगा एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, तभी तो हमने डिसीजन लिया, पर थोड़ा बहुत बताना जरूरी है सर्जन को. यस्टरडे presented to us with complaints of, तो अब तो बाकी हमें ज्यादा लिखने को रानी, with complaints of this and this and this and this. On examination, बस एक लाइन लिखे on examination. अब देखो कितना सिंपल है on examination. ये थर्ड पैराग्राफ, लास्ट पैराग्राफ, लास्ट सेकेंड पैराग्राफ, she had. अब सब कुछ पास्ट में रहेगा, प्लीज. She had mild iliac fossa tenderness. इसको no rebounding इसको लिखने की जरूरत नहीं है. Also tenderness was present. ये भी right iliac, right fornix. Also tenderness was present in right fornix. अगर यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे लिख सकते हो on vaginal examination, that is not a problem again. तो मतलब ये मर्जी की बात है. अब ये नहीं है कि आपको ये लिखना ही लिखना है, ये लिखना ही लिखना है. छोटी छोटी बातें आप अवॉइड कर सकते हो. तो ये सिम्टम थे, ये साइन थे जो हमने अभी लिखे, ये सिम्टम्स और साइन थे. तो यहाँ पे सो वर्ड लगाना है. सो शी वाज असेस्ड विद, जैसे सस्पेक्टेड विद होता है, डायग्नोज विद होता है, वैसे ही असेस्ड विद, इन तीनों वर्ड्स के साथ विद आएगा. शी वाज असेस्ड विद नॉन स्पेसिफिक एब्डोमिनल पेन. For which, ये कनेक्टर बड़ा अच्छा होता है, जिसके लिए. जब भी प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए जो भी आपने किया, जिसके लिए, ये कनेक्टर. फोर से पहले भी कोमा और विच के बाद भी कोमा, दोनों तरफ कोमा, क्योंकि विच एक कनेक्टर होता है तो यहाँ कोमा ही डालना है. फॉर विच शी वॉज आस्ड, पैसिव वॉइस, पास्ट में जब बनता है वॉज प्लस थर्ड फॉर्म. शी वॉज आस्ड टू रिटर्न इन मॉर्निंग. For she was asked to return in the morning. यहाँ पे she for which अच्छा नहीं लग रहा. Hence लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये है कि hence she was asked to return in the morning for blood test. क्योंकि ये word दे रखे हैं for blood test and reassessment. आप ये सोचो आपका letter इतनी आसानी से पूरा हो चुका है. That's it. और आपको लगा होगा कि हमने बड़ा मुश्किल किया है, पर आप ये देखो कि 20 minutes में हमने एक लेटर पूरा कर दिया. अब मुझे सिर्फ ये करना है कि यस्टरडे की विजिट को इससे पहले लेके आना है टुडे से. तो मैं इसको हटा देता हूँ. पेपर में तो आप ऐसे लाइन वाइज लिखोगे, लेकिन आपको पैटर्न बताने के लिए कि फर्स्ट और लास्ट पैराग्राफ दोनों पर्पस से भरे हुए होते हैं. फर्स्ट और लास्ट पैराग्राफ दोनों पर्पस ही होते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी. यहाँ पे साइंस और सिम्टम्स नहीं होते. यहाँ पे हम कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइंस एंड सिम्टम्स. यहाँ पे हम साइंस और सिम्टम्स बताते हैं, तभी कहते हैं विच मेक्स हर, कि साइंस और सिम्टम्स के बेस पे ये विच मेक्स हर अ सस्पेक्टेड केस ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी. तो यहाँ पे साइंस और सिम्टम्स आते हैं जिसके कारण, जिसके बेस पे, यहाँ पे हम कहते हैं ऑन द बेसिस. तो कनेक्टर्स का फर्क है. बाकी ये देखिए सोशल हिस्ट्री और मेडिकल हिस्ट्री खत्म. अगर बाय चांस आप में से किसी को भी प्रॉब्लम आई कि सर हमें तो ये यस्टरडे में ही लिखा है, तो कोई बात नहीं, आप इसको ये लिख दो, सिंगल वुमेन, she has been partner for this thing. पर ये मैंने लाइनें लगी हैं ये. लेकिन अगर आप यस्टरडे में लिखना चाहते हो तो बस एक तरीका है कि इस पर्टिकुलर जगह पे ऑन एग्जामिनेशन वाले को डिवाइड कर देना, यानी सिम्टम्स ऊपर कर देना इस वाले पैराग्राफ में, थर्ड पैराग्राफ में ऑन एग्जामिनेशन के बाद वाली बातें लिख देना, तो अपने आप फोर पैराग्राफ्स बन जाएंगे. तो OET में कम से कम फोर पैराग्राफ्स तो बनाओ, अगर फाइव बनते हैं तो भी कोई बात. सो ये लेटर आपका कंप्लीट लेटर, और इतना छोटा सा लेटर, दैट्स इट. इतना सही तो है OET. आपका पेपर जितना मर्जी मुश्किल आए, आपको सिर्फ 200 वर्ड्स लिखने अलाउड हैं. तो हम देख लेते हैं हमारे कितने वर्ड बने. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. तो मैं लगभग 20 वर्ड्स मान के चल रहा हूँ.
20 words, agar, if 20 words are there in one line, तो हम lines को count कर लेते हैं. ठीक है, एक सेकेंड. क्योंकि आप ये समझो, आप कहते हो पेपर मुश्किल आया, आई डू अंडरस्टैंड पेपर मुश्किल आ सकता है, लेकिन आपका आंसर मुश्किल नहीं हो सकता, क्योंकि ना ही ओईटी की ग्रामर बदलती है. और अगर एक लाइन में मैं 20 वर्ड्स मानूं, 1, 2, 3, 4, क्योंकि कुछ हमने छोटे लिखे हैं, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, अगर मैं 11 लाइंस भी मानूं, लास्ट लाइन को नहीं गिन रहा, और कुछ वर्ड्स भी हमने कम लिखे हैं, तो 11 इंटू, आपको हैरानी होगी, 11 इंटू 20, यानी कि 220 वर्ड्स हो चुके हैं आपके, यानी इससे ज्यादा तो आप लिख ही नहीं सकते, पेपर जितना मर्जी मुश्किल हो जाए. और टोटल लिखने में लगे हैं 27 मिनट्स. दैट इज वाई आई ऑलवेज से दिस लेटर आई ऑलवेज यूज टू टीच द पैटर्न. मैं हमेशा यूज करता हूँ, दिस इज द बेस्ट लेटर टू अंडरस्टैंड. सिंपल पर्पस, सोशल हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री, जितनी भी विजिट है, थर्ड पैराग्राफ, फोर्थ. अब आपको 10 विजिट आ गई तो भी आप 250 वर्ड्स थोड़ी लिख सकते हो, तब भी आपको इतना ही छोटा बनाना था, आपको ऐसा ही कुछ लिखना था. तो प्लीज, 10 विजिट आने से आपका पेपर मुश्किल नहीं होता. हाँ, साइकोलॉजिकली इट डज क्रिएट अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन योर माइंड्स, बट अपार्ट फ्रॉम साइकोलॉजी इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस इन द रियल सेंस. सो प्लीज लिसन टू दिस रिकॉर्डिंग 2-3 times. इट्स वेरी इजी, वेरी वेरी इजी. So this is Dr. Bhupesh from Dr. BKM Institutes. Our contact number is 769-67-34256. Thank you.